ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल देखे, ये एग्जाम्पल देखे करवा दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर मैं एफ ओ एक्स की बात करता हूँ, एक्स की पावर 3, तो ये मैं बोलूँगा कि ओड फंक्शन है। अब इवन ओड को एक शॉर्ट भाषा में लिख रहा हूँ, एफ ओ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 2n इवन, एफ ओ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2n प्लस 1, या इसको 2n माइनस 1 से कर लो, 2n माइनस 1 से कर लीजिएगा, ओड हो जाएगा। लेकिन यह n को डिफाइन कर दीजिएगा कि n आपका i है, और सॉरी i छोड़ो, n ले लीजिएगा। यहाँ मैंने डिफाइन ही इस तरीके से किया है फंक्शन को, n1 का मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर 2 रखते ही 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 रखते ही आपका 1 हो जाएगा, इसलिए ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन की एक खासियत और रखाता हूँ आपको कि एफ ओ पर माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का एफ ओ पक्स, हाँ ये ओड फंक्शन इसको भी बोला जाता है।